देखिए, गुड इवनिंग, वेलकम टू पूजा गुप्ता चैनल। यू आर वॉचिंग पूजा गुप्ता चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो जल्द से जल्द इस क्लास के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं कैंटोनमेंट एरियाज, छोटे से हैं क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया से भी एक दो क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अभी हमने सेक्शंस किए हैं, आई होप कि आपको गोरखा सेक्शन जो है वो अच्छा लगा होगा। तो जितना भी हिमाचल जीके का आप सेशन कर रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं और हम ये सेशंस जो है ये बेसिकली छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले आज कर रहे हैं हम कंटोनमेंट एरियाज। कंटोनमेंट एरियाज का मतलब है छावनियाँ। हिमाचल में कौन कौन सी छावनियां आती ब्रिटिश कंटोनमेंट्स की, जब गोरखास की इन्वेजन होगी, उसके बाद जब गोरखास और ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है गोरखास ने किले बनाए थे, तो इनकी कुछ कंटोनमेंट एरियाज भी बने थे, छावनियां भी बनी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुबाथू की। देखिए, ऐसा नहीं, इसमें से क्या क्वेश्चन आता, हम करेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चंस भी करेंगे। फ्राइडे को हम वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे या थर्सडे को करेंगे, बट सुबाथू जो है उसके बारे में क्या जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोकेटेड इन सोलन। सुबाथू कंटोनमेंट एरिया, जो सुबाथू छावनी है, वो कहाँ पे है? सोलन में है। और ये कौन सी थी 1814 में 1815 में के बीच में ये गोरखास की छावनी रही है। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि मलोन किले में गोरखास के बाद, जब मलोन में गोरखास वापस गए थे मलोन फोर्ट के बाद, तो वहां पे ब्रिटिश की छावनी जो थी वो कौन सी थी? सुबाथू सबसे पहली छावनी है। ठीक है, आफ्टर द डिफीट ऑफ गोरखास नियर मलोन एस्टैब्लिश सुबाथू कैंटोनमेंट इन 1815। ये याद रखना, जो 1814 और 15 में जब ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई थी गोरखास के साथ, यानी ट्रीटी ऑफ सगौली के टाइम पे, तो जैसे ही गोरखास को मलोन फोर्ट पे हराया गया, तो उसके बाद सबसे पहला छावनी, फर्स्ट छावनी, फर्स्ट कैंटोनमेंट एरिया इज सुबाथू, जो कि कब बना? 1815 में। इसके अंदर कौन सी रेजिमेंट आती थी? नसीरी रेजिमेंट। नसीरी रेजिमेंट जो है, ये जितने, ये जो कैंटोनमेंट एरिया है ये किसके अंदर आता है? नसीरी है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना, देखिए तीन क्वेश्चन निकलते हैं, सुबाथू कहाँ पे, किसके पास सुबाथू छावनी बनी थी गोरखास के बाद, गोरखास और ब्रिटिश की जब लड़ाई हुई थी उसके बाद ये जो है आपकी छावनी बनी थी। ठीक है, और इस छावनी में किस तरह के बटालियन के लोग जाते थे? दैट इज नसीरी बटालियन। ठीक है, जब हिंदुस्तान तिब्बत रोड से पहले, यानी 1952 से पहले पहले, ठीक है, आपका हिंदुस्तान तिब्बत रोड जब बनी थी, तो उसमें आपका क्या था कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड के टाइम पे आपकी ये जो आपकी छावनी है, यानी इसकी काफी इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, कब बनी थी ये? 1815। आपको याद है कि 1851 में हिंदुस्तान तिब्बत रोड का किसने वो किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो जब ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड के बनने से पहले इस छावनी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रही है सुबाथू की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिफोर हिंदुस्तान तिब्बत रोड कौन सी छावनी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी? दैट इज सुबाथू। यहाँ इस रीजन का जो सबसे पहला, शिमला जाने से पहले लेफ्टिनेंट रोज को यहाँ का पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, राजनीतिक जिसको बोल सकते हो आप, पहचान करने वाला इसको, क्योंकि जो आपके लेफ्टिनेंट रोज, आपने पता है कि ये शिमला आए थे, लेफ्टिनेंट रोस ने कच्चा हाउस बनाया था। ठीक है, उसके बाद आपका कच्चा हाउस बनाया था, और उसके बाद जो है पक्का हाउस किसने बनाया था? कैनेडी ने बनाया था। तो लेफ्टिनेंट रोस 1817 के आसपास आए थे सबसे पहले शिमला। उससे पहले जो है लेफ्टिनेंट रोस ने यहाँ पे, ये किसके, इस रीजन के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कौन थे? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ऑफ सुबाथू इज लेफ्टिनेंट रॉस। और शिमला जाने, यानी 1822 में शिमला जाने से पहले कैनेडी जो थे यहाँ पे रहे, क्यों? कैनेडी ने पोटैटो फार्मिंग भी शिमला में शुरू की थी, और पक्का हाउस इसने बनाया था। तो ये याद रखना, सुबाथू सोलन में है। 1815 में जब गोरखास की डिफीट हुई थी, जब ब्रिटिशर्स ने हराया था मलोन फोर्ट में,
तो उसके बाद ये जो थी कैंटोनमेंट एरिया, ये छावनी बनाएगी। हिंदुस्तान तिब्बत रोड से पहले पहले इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेफ्टिनेंट रॉस जो थे यहाँ के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे, और कैनेडी जो थे यहाँ पे शिमला जाने से पहले यहाँ आए थे। एंड विलियम बेंटिक इन 1829 ऑल्सो विजिट्स सुबाथू। विलियम बेंटिक कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके? विलियम बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये याद रखना विलियम बेंटिक। तो ये भी याद रखना कि 1829 में सुबाथून पे किसने विजिट किया था, किस गवर्नर जनरल ने विजिट किया था, वो थे विलियम बेंटिक। कैनेडी कब आए थे शिमला? कैनेडी जो है वो कहाँ पे आए थे? सुबाथू में आए थे शिमला जाने से पहले। लेफ्टिनेंट रॉस जो था यहाँ का पॉलिटिकल ऑब्जर्वर था, नसीरी रेजिमेंट यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये याद रखना सुबाथू। कैंटोनमेंट एरिया पहला कौन सा किया? सुबाथू, जिसमें सोलन पे थी। ब्रिटिशर्स ने 1814-15 में मलोन फोर्ट के बाद इसको बनाया था। आपका हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग से पहले पहले इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेफ्टिनेंट रॉस भी आए, कैनेडी भी रहे, और विलियम बेंटिक 1829 में यहाँ पे विजिट की। नाउ कसौली नेक्स्ट आता है। इससे अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन आया था कि ये कब बनी थी, कब स्टैब्लिश की गई थी। ये भी सोलन में है। आपको पता है यहाँ पे एंटी रेबीज का भी बना है, सनावर स्कूल भी है, जहां से मैक्सिमम लोगों ने बच्चों स्टूडेंट्स ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। तो ये याद रखना। ठीक है, इस्टैब्लिश इन 1842, ये कब इस्टैब्लिश की गई? 1842 में। ठीक है, तो लोकेटेड इन सोलन। सेकंड फर्स्ट सुबाथू थी, तो दूसरी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई छावनी, ये भी पूछा जा सकता है। ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई पहली छावनी सुबाथू, अगर पूछी जाए दूसरी तो ये है आपकी कसौली। एंड कब इस्टैब्लिश की गई? 1842 में। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे कसौली के, वो क्या करते थे यहाँ पे अपनी ऐश परस्ती के लिए, यहाँ से बहुत सारा धन जो था 1857 की क्रांति में यहाँ से लूट के गए थे। फिर उन्होंने उसके बाद जतो की नसीरी बटालियन को जीत लिया था। ठीक है, कसोली का नाम जो है यहाँ पे, गांव है कसोल, उसके नाम से पड़ा है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो था गोरखों का किला भी था, जिसका बोल सकते हैं आप गोरखा ब्रिटिशर्स के युद्ध में काम आया था। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कब बनी थी। और ये आपका सारा हिंदी वर्षन है। ठीक है, नसीरी रेजिमेंट, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क निर्माण, लेफ्टिनेंट रोस को क्षेत्र का राजनीतिक पर्यवेक्षक। देखिए, राजनीतिक पर्यवेक्षक नियुक्त किसे किया गया था? लेफ्टिनेंट रोस को। कैनेडी शिमला पहले यहाँ पे आए थे, फिर शिमला गए थे। विलियम बेंटिक जो थे वो तब आए थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आती है जतोग। जतोग भी जो है, देखिए जतोग भी जो है आपकी कब इस्टैब्लिश की गई? ये भी ब्रिटिशर्स। देखिए जितने भी कैंटोनमेंट एरियाज हैं, कई बार ऐसे कि किसने बनाए हैं? ब्रिटिशर्स ने बनाए। नेक्स्ट ये है थर्ड। फर्स्ट आई सुबाथू, सेकेंड आई कसोल, थर्ड आई आपकी कसोली, या थर्ड आई आपकी जतोग, जतोग रेजिमेंट। ठीक है, ये कब बनी थी? 1843 में बनी थी ब्रिटिशर्स सोल्जर्स ने। ठीक है, जितने भी ब्रिटिशर्स सोल्जर्स थे, यानी जो आपकी अंग्रेजों की सेना थी, उन्होंने गोरखास वॉर को, इस जब गोरखास के साथ लड़ाई हुई थी ना 1814 और 15 में, तो यहाँ पे जो है उन्होंने गोरखास को जो है यहाँ पे कैप्चर किया था, पकड़ा गया था, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे गोरखास रेजिमेंट बन गई थी। ये याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब अठारह पहली चीज तो ये याद कर लीजिए, 1814 से 15 तक जब गोरखास वॉर हुई थी, तो इस ब्रिटिशर्स ने यहाँ की सेना इस पे कैप्चर किया था, और फिर यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट बनाई गई थी। ठीक है, 1843 में फिर इसके पहले ये बनी जतोक रेजिमेंट, गोरखास रेजिमेंट जतोक।
उसके बाद इसको 1843 में ही इसको जो है एक छावनी का रूप दिया गया। ये याद रख लेना कि छावनी का रूप जो है इसको किस कब दिया गया है, 1843 में। बनी कब थी थर्ड कंटोनमेंट, 1843 में। बट इसको मेन रेजिमेंट का नाम जो है, या मेन इसको कब बोला गया, 1843। सूबेदार भीम सिंह रिवोल्टेड अगेंस्ट नसीरी बटालियन इन 1857। देखिए 1857 की क्रांति में, अभी आपने पढ़ा नसीरी बटालियन जो थी वो कसौली और सुबाथू की थी। तो 1857 में किसने, सूबेदार भीम ने जो है नसीरी बट, ये कौन सी थी, गोरखा रेजिमेंट, जिसने नसीरी बटालियन पे अटैक किया था। तो कौन सी जगह के लोग ने नसीरी बटालियन पे अटैक किया था, वो था जतोग, और किसने किया था, सूबेदार। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जतोग कौन सी थी, थर्ड। तो ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज डगशाय। डगशाय को दागे शाही भी बोलते हैं, दागे शाही। इसका नाम कहाँ से लिया गया है, दागे शाही से। ये बनी थी 1847 में। कैसे, जो आपको ये पता होना चाहिए, पटियाला के जो राजा हैं भूपेंद्र सिंह, उनसे 5 विलेजेस ली थी, गांव लिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छावनी बनाई गई। यहाँ पे इस छावनी की इंपॉर्टेंस, दिस कैंटोनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि ये छावनी किससे ली गई थी, भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला के जो राजा थे, वहां से 5 गांव देकर उन्होंने ये छावनी ली थी। ठीक है, किसने, ब्रिटिशर्स ने। और यहाँ पे जितने भी जेल के जो कैदी होते हैं ना, सबसे ज्यादा जितने भी जेल के कैदी है, सबसे ज्यादा कहाँ पे रखे गए थे, दक्षिण में। तो दिस इज पॉइंट इम्पोर्टेंट कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे जेल के कैदियों को रखा जाए, या कौन सी ऐसी छावनी थी जहां पे सबसे ज्यादा जेल के कैदियों को रखा जाता है, दैट इज दक्षा। इसका नाम कहाँ से लिया गया, दागे शाही से। कहाँ से लिया गया, दागे शाही। और यहाँ पे 1849 में सेंट्रल जेल, इसे सेंट्रल जेल कब बनाया गया, 1849 में। ठीक है, और कहाँ जाता है, जो कामता गारू हुआ था ना, जिसकी वजह से गदर पार्टी का वो हुआ था, कामता गारू जो इंसिडेंस हुआ था, ठीक है, कब, 1914 के आसपास। तो उस टाइम पे जो यहाँ से, जो कामता गारू में जब ये कोई जैसे बोल सकते हैं कि जब ये घटना हुई थी, तो उस टाइम के जो यहाँ के जो प्रिजनर्स थे, मतलब कुछ लोगों को, जो 4-5 लोग जो थे कामता गारू के उस टाइम पे, 4 सोल्जर्स जो कामता गारू के थे, उनको कहाँ पे, यहाँ पे फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी है कि कौन से ऐसे, जब कामता गारू घटना घटी थी, तो उस टाइम पे जो कुछ प्रिजनर्स को कहाँ रखा गया था, तो वो रखा गया था डाकशाय में। ठीक है, और 1920 में यहाँ पे आयरिश यानी आयरलैंड के सैनिक ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था। देखिए कसोली 1842, ठीक है, जतोग बनी 1843, डगशाय जो है वो कैसे बनी थी, जब भूपेंद्र सिंह पटियाला ने 5 गांव दिए थे, ठीक है, उनसे लिए थे, तब जाकर जो है ब्रिटिश ने यहाँ पे डागेशाही बनाई यानी डगशाय। इस चीज की, इस छावनी की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले यहाँ पे जो जितने भी जेल के कैदी हैं उनको यहाँ रखा गया, दूसरा सेंट्रल जेल जो सेंटर की जेल है वो कहाँ पे बनी गई, 1849 में डगशाय में, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थर्ड पॉइंट है कि कामता गारू घटना में कुछ कैदियों को हिमाचल में कहाँ रखा गया था, वो रखा गया था डक्षिण में। एक क्वेश्चन और आता है कि महात्मा गांधी किस छावनी में आए थे, तो महात्मा गांधी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा गांधी जो है वो किस छावनी में आए थे, वो आए थे आपके डक्षिण में, जहां पे उन्होंने लोगों को संबोधित किया था यानी स्पीच दी थी। ये क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर्स में, तो कहाँ पे आए थे, डक्षिण में। तो आयरिश सैनिकों ने कब रिपोर्ट किया था, 1920। ये क्वेश्चन दो जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा स्थापित तीसरी छावनी है, 1814 से 15 के गोरखा युद्ध में जो है ये किया गया है। सूबेदार भीम सिंह ने जो है इस नसीरी बटालियन के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब छोटा सा टॉपिक था ये, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, आगे लिए जाएंगे बड़े टॉपिक्स, आगे जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तब बड़े टॉपिक्स आएंगे, फिलहाल
अब जो है आपके छोटे छोटे टॉपिक्स जिसमें से एक दो क्वेश्चंस हम हमेशा छोड़ के जाते हैं, अभी मैं वो टॉपिक्स ले रही हूँ। आने वाले टाइम पे आर्ट कल्चर टेम्पल्स फिर से डील किए जाएंगे मेरे द्वारा आपके साथ, फिर से वो नदियां पढ़ी जाएंगी, फिर से वो कल्चर पढ़े जाएंगे। लेकिन अभी ये अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें अच्छी लग रही हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमने नहीं पढ़ी, तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर देना कि ये छोटे छोटे सेक्शंस आपको कैसे लग रहे हैं। बकलो, बकलो छावनी कहाँ पे है? चंबा में है, चंबा की, ठीक है, चंबा में है। कब बनी थी? 1866 में, एस्टेब्लिश्ड इन चंबा, बकलो कैंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि बकलो छावनी कहाँ पे है, तो ये है चंबा में। फिर ढलौजी, ये भी कहाँ पे है? चंबा में। ठीक है, ढलौजी को बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड ढलौजी। कब बनाया? 1854। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ढलौजी कैंटोनमेंट एरिया किसने बनाया था? लॉर्ड ढलौजी के नाम पे रखा गया और 1854 में बनाया गया। इसको कैंटोनमेंट एरिया कब बनाया गया? 1867, 1867 में। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है ना, मुझे नहीं पता आज मैं ये दिक्कत क्यों फेस कर रही हूँ, मे बी वोल्टेज या समथिंग एल्स, कल तक इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस्टेब्लिश एज ए कंटोनमेंट एरिया 1867 में, 1857 में इसको जो है, देखिए अब जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में की, कंटोनमेंट एरिया कब बना? 1867 में। और 1857 में श्री सिंह ऑफ चंबा, जो राजा थे चंबा के श्री सिंह, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी ढलौजी में। ढलौजी ने चंबा के किस शासक ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी 1857 की क्रांति में? श्री सिंह ने। ठीक है, उसके बाद भूरी सिंह ने भी ब्रिटिशर्स की हेल्प की है चंबा से, लेकिन ढलौजी में, ढलौजी की में किसने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी? चंबा के राजा कौन थे? श्री सिंह। कब? 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट आता है योल, योल कैंट जो है ये कहाँ पे है आपका? धर्मशाला में। ठीक है, ये कब बना था? 1849। देखिए ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसको कैंटोनमेंट कब बनाया गया? योल बना कब था? 1849 में। पर इसको कैंटोनमेंट एरिया कब दिया गया? 1942। तो ये याद रखिए कि बकलो में कब बना? 1866। आपका जो ढलौजी है 1854, लेकिन इसको कैंटोनमेंट बनाया गया एक साल बाद, बकलो के एक साल बाद जो है इसको कैंटोनमेंट एरिया बना दिया गया। और उसके बाद योल को जो है ये बनाया गया 1942। तो ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं, आप एक बार जरूर देखना इन सेक्शंस को, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। ये छोटे सेक्शंस इसलिए लिए हैं ताकि इनसे हम डील कर सकें। उसके बाद आपको और भी सेक्शंस मिलेंगे, तो अगर आपको हिमाचल जीके के ये छोटे छोटे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और ये आपका हिंदी वर्शन है, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के सेशंस जो हैं, मेरी उम्मीद है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहे तो हम वो लाइव भी ला सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा आप पे। मैं इतनी जल्दी नहीं बोल सकती कि कुछ होगा, बट हाँ अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी जो है हम आपके साथ और नई चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक बस इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा और मजा आ रहा। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता पेज, एंड ऑन यूट्यूब फॉलो मी और सब्सक्राइब माय चैनल एज अ पूजा गुप्ता। ऑन टेलीग्राम पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता चैनल, वहां पे भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड लेट्स लर्न विद मी ग्रुप पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम वहां पे नई चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो प्लीज अगर कोई गलती होती है तो माफी चाहूंगी, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन ऑफ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, दिस साइड पूजा गुप्ता, let's learn with me, have a nice day, bye bye, good night, and stay safe, stay healthy and stay cool, bye bye.